हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं कि हम लोग को मंडे के सेशन में निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा कर रखा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, उससे पहले एक बार मंथली को भी चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया है, और अगर देखेंगे प्रीवियस मंथ का तो वहाँ पे हम लोगों को अक्टूबर मंथ में बहुत ही बड़ा नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिला था, शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है अक्टूबर मंथ में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन देखिए, नवंबर का जो महीना है ना, ये फिर देखिए कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड भी आया, ऊपर साइड भी गया, और अभी देखिए जो ट्रेडिंग हो रहा है, जो ट्रेडिंग हो रहा है अभी देखिए ऑलमोस्ट बीच में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हो रहा है। और देखिए 24,000 और 23,800, ये बहुत ही अच्छा एज अ सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है मार्केट में। तो चलिए हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, वहाँ पे हम लोग को कुछ अगर अच्छा समझ में आएगा तो मैं आप लोग को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, जो लास्ट वीक का कैंडल बना था ना, वो नेगेटिव साइड में ही कैंडल था, लेकिन ये कैंडल जो अभी फिलहाल बन रहा है करेंट में, कुछ सॉरी जो क्लोजिंग हो चुका है आज यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला कैंडल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोअर साइड में भी स्विंग लगा हुआ है, ऊपर साइड में भी हाई लगा हुआ है, और देखेंगे तो देखिए दोनों साइड से हम लोगों को रिजेक्शन मिला हुआ है। लोअर साइड से भी रिजेक्शन मिला है, हायर साइड से भी रिजेक्शन मिला हम लोग यहाँ पे। और हम लोग अगर हाई चेक कर लेंगे इसका, देखिए इसका हाई कितना लगा हुआ है, 24,537 का हाई लगा हुआ है, और प्रीवियस वीक का हाई कितना है, ऑलमोस्ट 24,498। तो आप लोग ये लेवल नोट करके रखिएगा फ्रेंड्स, 24,550 का लेवल नोट करके रखिएगा, या फिर 500 से लेकर 550 का लेवल नोट करके रखिएगा। ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है मार्केट में, आने वाले दिनों में भी काम करेगा, और जिस तरह से इस वीक में भी काम किया, तो ये लेवल आप लोग नोट करके रखिएगा। और डाउन साइड में जो सपोर्ट के बारे में बात करें, तो देखिए 24,000 एक सपोर्ट है डाउन साइड में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है राउंड लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है फ्रेंड्स निफ्टी के लिए फिलहाल करेंट सिचुएशन में। और उसके नीचे देखिए, यहाँ से जो रिजेक्शन मिला नहीं, यहाँ से जो बायर फिर से मार्केट को पुल करके ऊपर लेके गए हैं, ये लेवल है हमारा 23,800 का। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मार्केट अगर फिर 24,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो चांसेस है 23,800 तक आने के। और फर्दर सेलिंग कब मिलेगा, जब मार्केट ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, यानी 24,800 के नीचे जब निफ्टी सस्टेन करेगा, तब हम लोग को डाउन साइड में 23,500 तक हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टारगेट हम लोग को डाउन साइड में। तो 23,800 के नीचे निफ्टी सस्टेन करेगा तो हम लोग को और वहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर लेवल्स नोट कर लिए होंगे, बाइंग का लेवल कौन सा है, सेलिंग का लेवल कौन सा है, फिर सपोर्ट कौन से लेवल पे है, और रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे। अभी चलिए हम सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और यहाँ पे वह नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे मार्केट देखिए कम्प्लीटली साइडवेज था, और आज देखिए मार्केट जिस तरह से यहाँ पे ओपनिंग हुआ, पहला कैंडल देखिए फिर बहुत बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद देखिए इमीडिएट हम लोगों का रिवर्सल देखने को मिला, फिर से सेलिंग आ गया। तो जब भी आप लोगों को मॉर्निंग का 1 आवर के अंदर में अगर कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, तो 90% चांस हो जाता है कि मार्केट उस दिन साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा, या फिर वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलने वाला है। तो ये देखिए कुछ कुछ साइन होता है जो मॉर्निंग में देखने पड़ता है, मतलब देखने के लिए मिल जाता है, जिससे हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। तो ये आज जिस तरह से मार्केट का सिनारियो था, अगर इस तरह से कभी मार्केट आप लोगों को देखने के लिए मिले, तो एज्यूम कीजिए फ्रेंड्स कि मार्केट यहाँ पे मे बी साइडवेज टू वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल टू साइडवेज रहने वाला है। क्यों देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर में सेलिंग मतलब स्विंग हाई काफ़ी दूर है, स्विंग लो काफ़ी लो काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 24,050 और अपसाइड में 24,300, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट का रेंज है। तो जो सेलर है ऊपर में भी सेल करके रखेंगे, डाउन साइड में भी सेल करके रखेंगे, यानी पी सी दोनों सेल कर देंगे सिंपल सा, तो उनके लिए फेवर में चलाता है मार्केट। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब बायर्स वहाँ पर पैसा कमाते हैं, लेकिन देखिए हर दिन तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहने वाला ना, तो इसीलिए साइडवेज भी होता है वोलेटाइल भी होता है, उसके बाद फिर से हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, तो लेवल्स आप लोग वापस से नोट कर सकते हैं, इंटर एवरेज पर लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, डाउन साइड में 24,100, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,100 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है मंडे के सेशन में, तो हम लोगों को डाउन साइड में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट हमारा लोअर लेवल पर 24,000 से लेकर 23,950 तक हम लोग को डाउन साइड में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन निफ्टी को 24,100 के नीचे आना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा कुछ, उसके बाद ही वहाँ पर प्लानिंग करेंगे। बाइंग के बारे में अगर बात करें तो आज का स्विंग हाई कहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ऑलमोस्ट 24,200, ये लेवल नोट कर लीजिएगा। अपसाइड में 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग वापस से 24,300 तक में भी हम लोग के यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिले। लेकिन देखिए जिस हिसाब से मार्केट में कैंडल बना ना, यहाँ देखिए आवली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नेगेटिव साइड में यहाँ पर देखने के लिए मिले आवली टाइम पे। लेकिन देखिए ये जो कैंडल बना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज जो पहला कैंडल बना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, स्पाइनिंग बॉटम बोलते हैं इसको, देखिए रिजेक्शन ऊपर से भी मिला है, रिजेक्शन नीचे से भी मिला है, यानी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बायर है और कहीं ना कहीं हाई लेवल पे सेलर है, तो स्टिल कंफ्यूज है। और जब तक देखिए ये बड़ा कैंडल का लो या फिर हाई ब्रेक नहीं करता, हम लोगों को उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा।
इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मार्केट 100 के नीचे निकलता तो ये कैंडल का जो लो है ऑलमोस्ट प्राइस उसके पास है, जाने का कोशिश कर सकता है वहाँ पे। और एक चीज़ देखिए, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए डे टाइम फ्रेम पे अभी जिस तरह से मार्केट में कैंडल बन रहा है ना, यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा है दो कंडीशन में भी यहाँ पे हो सकता है। या तो मार्केट फर्दर ये लेवल ब्रेक करेगा 23,800 और फर्दर मार्केट हम लोग को शार्प सेलिंग में भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आके फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन ही बनते हैं हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, या तो मार्केट नीचे आके यहाँ पे होवर करेगा फिर ब्रेक डाउन कर सकता है मे बी, या फिर यहाँ पे आके फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बना सकता है। उसके बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के रखा है 23,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्रीवियस वीक का स्विंग भी 23,500 है और करेंट वीक जो भी क्लोजिंग हुआ इसका स्विंग भी 23,500 ही है, सॉरी 24,500 है। तो ये लेवल आप लोग नोट करके रखिएगा। तो देखिए सिनारियो क्या होता है, नेक्स्ट वीक में भी हम लोग को एक मोमेंटम मिले, मोमेंटम कब मिलेगा, या तो ये लेवल ब्रेक हो मोमेंटम मिलेगा या फिर ये लेवल ब्रेक हो तब मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे एक जोन क्रिएट करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन बीत चुका है करंट वीक में और मार्केट देखिए कहीं खास मोमेंटम नहीं किया। ऑलमोस्ट अगर डाउन साइड से लेकर अप साइड कैलकुलेशन करेंगे तो 700 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया है, लोअर लेवल पे 23,800 और हाई लेवल पे 24,500। तो मे बी हम लोग को आने वाले वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, लेकिन स्टिल या तो ब्रेकआउट करें या तो ब्रेकडाउन करें किसी भी साइड करें, फिर हम लोग यहाँ पे बेटर होगा प्लानिंग करेंगे। या फिर देखिए जैसे मैंने आप लोग बताया यहाँ पे डब्ल्यू कैंडल बना के भी रिकवर कर सकता है मार्केट, लेकिन यहाँ वाला समय बताएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं अभी तक वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए आप लोग पसंद आया हो तो, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।